देखिए, जब उसमें कोर्ट के भी आदेश हैं, और मैं तो कल मीडिया पे देख रहा था कि किस तरह से जिन लोगों ने घरों की रजिस्ट्री तक करा रखी हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को करना तो कुछ आता नहीं है, तोड़ना ही आता है। संविधान तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तोड़ेंगे, लोगों के बने बनाए घरों को तोड़ेंगे, बीजेपी कुछ बनवा भी दे। कोई ना कोई एक ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा आदेश जरूर पास करते हैं रोजाना जो संविधान के खिलाफ हो और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता हो। वो खुल के रोजाना कोई ना कोई आदेश पास करके बार बार ये कहना चाहते हैं कि मैं संविधान को भी नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मेरे ऊपर लागू नहीं होते। एलजी साहब कह तो चुके ही हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, लेकिन रोजाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, कैबिनेट द्वारा पास, 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूं। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है, उसकी भी एक प्रोसीजर है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन 4 साल पहले से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिल्ली की सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसको 4 साल बाद पलटने की एक नई रीति शुरू की है इन्होंने। कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानूंगा, 4-4 साल पुराने फैसले पलटूंगा, फिर तो 20 साल पुराने फैसले भी आप पलटने लगोगे इस तरह से, फिर तो आप 10 साल पुराने फैसले उठा के पलटने लगोगे। ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? आपके पास संविधान में केवल और केवल 3 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। पुलिस के अलावा, पब्लिक ऑर्डर के अलावा और जमीन के अलावा एलजी साहब किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते, केवल ओपिनियन दे सकते हैं जब मंत्री कोई निर्णय लेगा। निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री या मंत्री कोई निर्णय लेंगे तो आप उसकी सहमति असहमति दे सकते हैं, लेकिन आप 4 साल बाद उठा के किसी फैसले को पलट नहीं सकते। 4 साल बाद आज आपने जो फैसला पलटा है उस पर लिखा है कि मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के तहत ये चेंज कर रहा हूं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने उनको दिया है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार एलजी साहब को दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, 3 सब्जेक्ट पर डिसीजन आपको सीधे सीधे लेना है, लेकिन फिर भी देश की राजधानी होने के नाते आपको ये एक विशेष अधिकार दिया गया है कि आप मंत्रियों के किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो असहमति होगी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी, वो कभी कभार किसी मामले में होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से या ऐसे किसी मसले से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कि आप रोज चुनी हुई सरकार के फैसले को पलटोगे और बोलोगे मेरे पास तो विशेष अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अब एलजी साहब कहते हैं मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होते, ये कैसे होगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए, तो यह रोजाना आप उठ के सुबह उठ के रोज सरकार के फैसले को पलटने का जो निर्णय ले रहे हो ये तो गलत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नकार रहा है, ये संविधान को भी नकार रहा है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेने का तरीका क्या होगा उस पर भी संविधान ने लिखा हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, उस पर भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है उसके ऊपर कि कैसे होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसे नहीं हो सकता जैसे एलजी साहब कर रहे हैं रोजाना, कि एलजी साहब अफसरों से फाइल मंगाते हैं, उस पर लिख देते हैं मेरा इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये आदेश लागू करो, ऐसे नहीं हो सकता। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब करेंगे एलजी साहब जब मंत्री कोई निर्णय लेगा, मंत्री निर्णय लेके एलजी साहब के पास भेजेगा, एलजी साहब अगर कहेंगे कि साहब इस पे अलग है तो एलजी साहब
आपकी ड्यूटी है, ये कानून में लिखा हुआ है, एलजी साहब की ड्यूटी है कि पहले मंत्री को बुलाएंगे, उससे चर्चा करेंगे, लिखा हुआ है कानून में कि पहले चर्चा करेंगे, और चर्चा में अगर मंत्री के और उनके बीच में सहमति नहीं बनती है तो वो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि एक बार इस पे कैबिनेट में चर्चा करो, मंत्री नहीं मान रहे, कैबिनेट मान जाए, और कैबिनेट भी नहीं मानेगी तब एलजी साहब के पास ये पावर है कि वो कोई निर्णय लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे भाई इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उससे पहले एलजी साहब के पास कोई पावर नहीं है। तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एलजी साहब ले रहे हैं उसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, वो इलीगल तरीके से इंप्लीमेंट करा रहे हैं, अफसरों से डरा के धमका के उनको, संविधान को मान नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले मेरे ऊपर लागू नहीं होते, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं। आप संविधान के आदेश पर चलते हो, भारत में ही रहते हो, भारत में के ही एक राज्य में एलजी हो, आपको संविधान को भी मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, नियम कायदे कानूनों को भी मानना पड़ेगा। आप जिस पार्टी के होंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी की सरकारों के बारे में आप बोलें उसकी पार्टी का कोई भी फैसला मैं कहीं से भी उठा के पलट सकता हूं। ये गैरकानूनी तरीके से एलजी साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले जो केजरीवाल जी की सरकार ने डायरेक्टर लगाए थे वहाँ बिजली कंपनियों में 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में केवल और केवल एक ही काम हो रहा है बिजली के सेक्टर में कि बिजली लोगों को फ्री मिल रही है, कोई घपला कोई घोटाला नहीं। कहाँ घोटाला हो गया, कौन सा घोटाला हो गया, सब हवा में है। रोज कोई नया आरोप लगाते हैं, कभी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी और के ऊपर आरोप लगा देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं, करा लो इसकी जाँच, इस 8,000 करोड़ की भी करा लो, आपको ये पावर कहाँ से आ गई? आपके पास ये पावर है कि आपको लग रहा है घोटाला हुआ जांच कराओ, आपके पास ये पावर कहां से आ गई कि आप केंद्र केजरीवाल जी की सरकार के फैसले को 4 साल बाद पलट देंगे? ये आपके पास पावर नहीं है, असंवैधानिक कर रहे हैं, गैरकानूनी कर रहे हैं और बिना प्रोसीजर्स को फॉलो हुए कर रहे हैं, आप प्रोसीजर भी इलीगल अपना रहे हैं। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि संविधान का सम्मान करिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करिए, आप ये मत मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप पर लागू नहीं होते, और प्रोसीजर्स को फॉलो करिए।